भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजु सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम मंच मुहैया कराते हैं उन किसानों को जो कि अपनी लगन, इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर कृषि के क्षेत्र में छाप छोड़ रहे हैं, अपने लिए नए नए अवसर पैदा कर ही रहे हैं, साथ ही अन्य किसानों के लिए भी राह बना रहे हैं। ये किसान कृषि स्टार्टअप, पशुपालन और इसके अलावा कृषि में नए नए प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। आज के हमारे सफल किसान किसान भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं, यानी जब विज्ञान और किसान का मेल हो जाए तो ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि हम प्रगति की राह पर कितनी तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में अपनी पैतृक भूमि पर खेती करने वाले हमारे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जितेंद्र कुमार आर्य के बारे में, जो कि वैसे तो मेरठ के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हैं, लेकिन साथ ही साथ वो खेती से भी जुड़े हुए हैं, यानी किसान भी है। तो आइए देखते हैं उनकी सफलता की कहानी। मुजफ्फरनगर दिल्ली से 135 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 560 किलोमीटर दूर है। मुजफ्फरनगर का महानगरीय शहर कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ साथ एक औद्योगिक केंद्र भी है। गंगा और यमुना की सहायक नदी हिंडन के उपजाऊ मैदानों पर स्थित इस क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अनुकूल है। मुजफ्फरनगर का पूरा क्षेत्र भौतिक और जलवायु परिस्थितियों से भरपूर है, साथ ही पर्याप्त वर्षा भी है। यही कारण है कि यहाँ कृषि विकास को बढ़ावा मिला है। मुजफ्फरनगर जिला नकदी फसलों के साथ साथ गेहूं, बाजरा, मक्का, जौ, आलू और दालें जैसे खाद्यान्न यहाँ के बड़े हिस्से में उगाया जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। मुजफ्फरनगर में निश्चित रूप से कृषि पर निर्भर गतिविधियों जैसे पशुपालन, डेयरी फार्मिंग और कृषि आधारित उत्पादों के निर्माण आदि में वृद्धि हुई है। समृद्ध प्राकृतिक वनस्पति की बदौलत मुजफ्फरनगर ने कृषि क्षेत्र में समृद्धि हासिल की है। अब जरा बात कर लेते हैं आज के सफल किसान डॉक्टर जितेंद्र कुमार आर्य की, जो कृषि विज्ञान केंद्र मेरठ में कार्यरत हैं। यहीं अपने 9 एकड़ पैतृक भूमि पर वो देसी गौ आधारित प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इन्होंने मुख्य रूप से 2016 में प्राकृतिक खेती करना शुरू किया था। डॉक्टर आर्य कहते हैं कि प्राकृतिक खेती की मूल पूंजी गाय है। अगर गाय है तो बेहद ही आसान तरीके से प्राकृतिक खेती की जा सकती है। प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें खर्च ना के बराबर होता है और मुनाफा अधिक होता है। प्राकृतिक खेती की मुख्य पूंजी क्या है, बता रहे हैं आज के सफल किसान। जनपद मुजफ्फरनगर में मेरी पैतृक एग्रीकल्चरल लैंड है, जिसमें हम 2016 से देसी गाय आधारित प्राकृतिक खेती करते आ रहे हैं, जिसके बहुत ही उत्साहजनक परिणाम हमारे सामने प्राप्त हो रहे हैं। लगभग 8 वर्ष हमें प्राकृतिक खेती करते हुए हो गए हैं। जितेंद्र कुमार आर्य, जो कि एक कृषि वैज्ञानिक हैं और साथ ही साथ वो एक किसान भी हैं, ऐसे में वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं कि आज के समय में प्राकृतिक खेती ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे हम मिट्टी के सेहत को भी बेहतर कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य में भी वृद्धि कर सकते हैं या अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित कर सकते हैं। रसायन मुक्त भोजन के लिए प्राकृतिक खेती बहुत आवश्यक है। आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या लाभ हैं और जितेंद्र कुमार आर्य इससे कैसे लाभ ले रहे हैं। प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें फसलों पर किसी भी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ प्रकृति द्वारा निर्मित उर्वरक, पेड़ पौधों के पत्तों से बनी खाद, गोबर खाद,
एवं जैविक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार से विविध प्रकार की कृषि प्रणाली है जो फसलों, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को एकीकृत करके रखती है। प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है। ये भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक तत्वों तथा जीवाणुओं के उपयोग से खेती की जाती है। ये पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है तथा फसलों की लागत कम करने में कारगर है। खेती किसानी में गाय का बड़ा महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि गाय का गोमूत्र एवं गोबर प्राकृतिक खेती में प्रयोग होता है। डॉक्टर आर्य का मानना है कि प्राकृतिक खेती का मूल आधार देसी गाय है और वो इसी के तहत प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। सफल किसान जितेंद्र कुमार आर्य ने अपने घर में अलग से जैविक उत्पाद गृह बनाया हुआ है, जिसमें प्राकृतिक खेती में प्रयोग होने वाले जैविक उत्पाद का संग्रह करते हैं और इसी जैविक उत्पाद को वो अपने खेतों में प्रयोग कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर जीवामृत के ड्रम रखे हुए हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती का मूल आधार देसी गाय है। और देसी गाय इसलिए कि देसी गाय के गोबर गौमूत्र का जब एनालिसिस किया जाता है तो उसमें 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु 1 ग्राम गोबर में पाए जाते हैं। इसलिए प्राकृतिक खेती का मूल आधार देसी गाय है। हमारे पास अभी वर्तमान में 2 देसी गाय हैं, एक साहिवाल नस्ल की है जिसको आप देखेंगे और एक थारपारकर नस्ल की है। ये दोनों गायें प्राकृतिक खेती के लिए बहुत ही अच्छी नस्ल की गायें हैं। डॉक्टर आर्य जैविक उत्पाद बनाने के लिए अलग अलग ड्रम का प्रयोग करते हैं और इस ड्रम में अलग अलग उत्पाद को संग्रहित करते हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि जैविक उत्पाद बनाने की प्रक्रिया क्या है और इसमें क्या क्या इस्तेमाल लाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जीवामृत की। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे जीवामृत के ड्रम रखे हुए हैं। तो जीवामृत बनाने के लिए हमें 5-6 चीज़ों की आवश्यकता होती है। देसी गाय का गोबर 10 किलो, देसी गाय का मूत्र 10 लीटर, गुड़ 1.5 से 2 किलो, बेसन 1.5 से 2 किलो, 500 ग्राम पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी और 180 लीटर पानी। इस सारी सामग्री को हम ड्रम में भर देते हैं और फिर सुबह शाम लकड़ी के डंडे से इसको घुमाते हैं घोलने के लिए, ताकि ये सारी सामग्री अच्छी प्रकार से घुल जाए और सूक्ष्म जीवाणुओं की गतिविधियां सही ढंग से होने लगे। पूरे ड्रम में यानी कि पानी में नीचे तक वायु का संचार ठीक प्रकार से होने लगे, इसलिए इसको हम घुमाते हैं। ये जो हमने जीवामृत इस तरह विधि से तैयार किया, ये सर्दियों में 5 दिन में, गर्मियों में 3 दिन में तैयार हो जाता है। और इसको हम सर्दियों में अधिकतम 15 दिन तक, गर्मियों में अधिकतम 7 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। फिर इसको हम सिंचाई के पानी के साथ खेत में इसका प्रयोग करते हैं। 1 एकड़ ज़मीन में 200 लीटर कम से कम जीवामृत की आवश्यकता पड़ती है और यदि हमारी फसल की परफॉर्मेंस कम है तो हम 400 लीटर प्रति एकड़ भी जीवामृत लगा सकते हैं। अगर किसान ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती करे तो कम लागत तो लगेगी ही, पानी की भी अच्छी खासी बचत होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राकृतिक खेती करने से जमीन में पानी की सोखने की क्षमता बढ़ती है। अगर वर्षा कम भी हो तो भी लंबे समय तक खेतों में जल की उपलब्धता बनी रहती है।